नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल AS एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान के कुछ ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो सभी एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहला, साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी क्या कहलाता है? हमारा फसलों का अध्ययन, जीव विज्ञान का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या जनसंख्या का अध्ययन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा, कोशिकाओं का अध्ययन, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण दोस्तों किसमें होता है? न्यूक्लियम में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, परोक्सीसोम में होता है या माइटोकांड्रिया में होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर सही होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में आपको पता है कि प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम का भी होता है और हार्मोन्स का भी होता है। तो होता किसका नहीं है, मतलब विटामिन ए का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों एड्स होता है। एड्स किसके द्वारा होता है? जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला आंसर ही सही होगा, यानी विषाणुओं से क्या होता है, एड्स होता है, जो हमारे छोटे छोटे वातावरण में घूमते रहते हैं, हम गंदे एनवायरनमेंट में, कारण जो वायरस टाइप के होते हैं वो विषाणु होते हैं, उसके कारण एड्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो ऐसा कौन सा जीव है जो दोस्तों जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन वो सांस लेता है? तो मछली में देखो रक्त भी होता है और सांस भी लेती है, केचुआ में रक्त भी होता है सांस भी लेती है, तिलचट्टा में भी सेम कंडीशन। तो हाइड्रा एक ऐसा है कि जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन वो सांस लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है दोस्तों, यकृत, हृदय, प्लीहा और अस्थि मज्जा। तो दोस्तों अस्थि मज्जा में हमारे लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वृद्धि पर हार्मोन्स बनाया जाता है, जो वृद्धि पर हार्मोन्स बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि द्वारा और पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा और हड्डियों द्वारा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है थायराइड, पैराथायराइड और पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर यानी पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो दोस्तों लार हमारी स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। जो श्वेत फुसफुस रोग होता है दोस्तों, वो पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में, कागज उद्योग के कर्मचारियों में या सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। तो दोस्तों जो श्वेत फुसफुस रोग होता है वो सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की जो असामान्य वृद्धि होती है दोस्तों, पोटेशियम, कैल्शियम या लोहे या फिर आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा, यानी आयोडीन के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ओजोन, जलवाष्प, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आप सही होगा। नेक्स्ट है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ओजोन की और क्लोरोन की। तो दोस्तों नदी में जो जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है वह किसकी? ऑक्सीजन की पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है विषाणु से, कवक से, शैवाल से या जीवाणु से। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा रोग भी आपका किससे होता है? विषाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर ही होगा। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, और घुलनशील विटामिन होगा तो सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर ही आपका सही होगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो दोस्तों जो वायुमंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है उसकी मोटाई नापने के लिए आपको डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो जो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, इसमें एथोसाइनिन के द्वारा, बीटा कैरोटीन के द्वारा या लाइकोपीन के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, लाइकोपीन के द्वारा इसमें लाल रंग होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? टीन, तांबा, जस्ता या उपरोक्त सभी? तो इंसुलिन में दोस्तों ये सभी धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो देश का सबसे बड़ा पुष्प दोस्तों रेफलेशिया, ग्लोरी, लिली और सूर्यमुखी या कमल? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, यानी रेफलेशिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो अरक्तता रोग है दोस्तों किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, आयोडीन या हीमोग्लोबिन? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप आदि पर, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।